अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर तैयबा, वेलकम मेरे चैनल। आपको पता है ये मेन क्वेश्चन आ रहा है कि मैचेस का आगे डे है तो मैचेस लोग देखते हैं, और कुछ लोग इतने क्रेज़ होते हैं मैचेस के लिए कि वो टीवी के सामने बैठे रहते हैं, और उन्होंने यही कंप्लेन की है कि जब हम लैपटॉप का काम करें और रूटीन में ऑफिस में लैपटॉप का यूज़ होता है, मोबाइल का यूज़ होता है, लेकिन मैच के जब दौर आता है तो मैच की क्रेजीनेस में वो डे एंड नाइट जब मैचेस के तकरीबन 6 घंटे होते हैं, जितना भी टाइम होता है, वो उनकी जो आइज़ होती हैं वो टीवी पे फोकस होती हैं, तो उसके बाद उनको बर्निंग सेंसेशन होती है, और जिनको रेनाइटिस की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए ये काफ़ी मसला जो होता है सीरियस हो जाता है। आँखों से पानी का आना, आँखों में जलन होना, और फोकस करके टीवी पे देखना, बाद में आँखों का वीएन का धुंधला हो जाना। तो क्या उन्होंने पूछा है इसकी ट्रीटमेंट है? यस, इसकी मैजिकली ट्रीटमेंट है। अगर आप वो आप यूज़ करेंगे, चाहे आप लैपटॉप का यूज़ करें, आप टीवी का यूज़ करें, तो ये आपके साथ मसला नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जो आँखें होती हैं कुदरत का बहुत बड़ा अतिया होती हैं, और ये हमारे लिए चश्मे का काम करती हैं। इनकी केयर किया करें, और आँखों को सुबह शाम जो है पानी के छींटे मारा करें, और साथ साथ ये है अच्छी डाइट लें, विटामिन ए का इस्तेमाल करें, वो आँखों के लिए बेस्ट है, डाइट पे भी फोकस किया करें। और अब हम आते हैं मैच। मैच तो हर एक का क्रेजीनेस होता है, वो देखता है आगे क्या होने वाला है। लोग तो मैचों में बेट तक लगा देते हैं, लेकिन बेट लगाना बुरी बात है, ठीक है? इसको एज अ शौक के तौर पे आप देखें, ठीक है? अब हम आते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन है। जी, इसमें होम्योपैथिक की दो मेडिसिन हैं, एक ने आप ओरली यूज़ करनी है, और दूसरा है होम्योपैथिक की आई ड्रॉप जो कि आपने आँखों में डालनी है। जब आप डे एंड नाइट फोकस करते हैं, टीवी को देखते रहते हैं, तो क्या होता है, जब हम एक चीज़ को कंटिन्यूसली इस पर फोकस करें तो हमारे मेंटली तौर पर भी कंसंट्रेशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप पीछे हटते हैं मैच से, तो आपकी आंखें होती हैं स्ट्रेन हो जाती हैं, थक जाती हैं, बोझल हो जाती हैं, उनमें बर्निंग सेंसेशन होती है, और समटाइम्स क्या होता है, टीयर्स यानी कि आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, और जला एसिडिक पानी भी आता है। जिनको हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, या जो जो पेशेंट हैं जिनको कोई एलर्जी का मसला हो, तो फोकस करने से उनकी एलर्जी बढ़ जाती है। तब है जी यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया जो है वो 30 पोटेंसी में लें। अगर आपको आँखों का कोई भी प्रॉब्लम है, या कॉलेज गोइंग हैं, काम करते हैं कंप्यूटर पे, या आप टीवी देखते हैं, उसके बाद आपकी आँखों में पानी आता है, आपकी पलकों में स्वेलिंग हो जाती है, आपकी आँखों से जलनदार पानी आता है, तो आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आप यूफ्रेशिया 30 को घर में रखें, और इसके 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लें, दिन में 3 दफ़ा लें, और कम अज़ कम आप इसको 1 माह इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी तक ख़त्म हो जाएंगी। फिर आप चाहे मैच देखें, अपना ऑफिस का काम करें, कॉलेज का काम करें, आपको कभी भी यह मसला नहीं होगा। अब सेकंड है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप को घर में रखें, ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आंखों में डाल सकते हैं, यही है यूफ्रेशिया के। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है, आपको आँख में शोबे चश्म हो जाता है, सडनली आपकी आँख में कुछ पड़ जाता है, अगर आप मोटर बाइक पर जाते हैं डस्ट वगैरह पड़ जाती है, या कोई काम करते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, उसके बाद बर्निंग सेंसेशन होती है, आपकी आई वी एन जो होती है वीक हो जाती है, आपको आंखों में पानी आ जाता है, आपको अजीब किस्म का महसूस होता है कि सडनली हमारी आई साइड पे फ़र्क पड़ा है, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गई है, 1 या 2 नज़र आने शुरू हो गए हैं, तब ये है आप इजीली इसके 2 ड्रॉप सुबह डालें, 2 ड्रॉप रात को डालें, दोनों आँखों में डालें, और इसको भी कंटिन्यूसली घर में रखें, और इसको आप वैसे भी पॉकेट में रख सकते हैं, जहाँ पे मर्जी हो आप इसको आंखों में डालें, और वेल एंड गुड रिजल्ट, क्योंकि जो आंखें हैं आपकी अगर फ्रेश होंगी तो आपको अच्छा फील होगा, और आप जिस चीज़ को देखेंगे तो आपको वो भी अच्छी लगेगी। अगर आपको भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट में लिखें, नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दी जाएगी। अगर आप न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। अगर आपको आंखों का कोई सीरियस मसाइल है, जिसमें कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है,
या कोई और प्रॉब्लम है तो आप एक दफ़ा अपनी आँखों को आई स्पेशलिस्ट से भी चेक करवाएं, और अगर आपको कोई आँख से सीरियस प्रॉब्लम है तो आप वो भी बताएं, नेक्स्ट वीडियोस पे बना दी जाएगी। वाइजा मृतुबा व यशवीन, जब कोई मर जाता है तो उसका इलाज भी मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।